हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपसे बहुत दिनों के बाद मैं मिल रही हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज हम जा रहे हैं फन सिटी, मैं भांजी को लेके जा रही हूँ। मैं फन सिटी, समर वेकेशन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था, तो हम चले MM फन सिटी की तरफ। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए और चलिए हमारे साथ पूरे वीडियो को इन्जॉय भी कीजिए। तो गाइस, अब हम एंट्री कर चुके हैं, जाते हैं अंदर की तरफ। तो अभी हम पहुंच गए फाइनली फन सिटी। बहुत दिन से बस आने का मन था तो हम पहुंच गए हैं। जाते हैं बंदर की और लेना है टिकट। टिकट ना वही क्या, तो हम लेते हैं। चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और हमारे साथ पूरा वीडियो को एंजॉय भी कीजिए। और गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। यहाँ पार्किंग का है, 10 रुपये लिए ना बाइक पार्क और कार पार्किंग। पार्किंग उस साइड कर रहे हैं 20 रुपये कार पार्किंग। तो चलिए गाइस हम अंदर की ओर जा रहे हैं। चलो अब अंदर की ओर हम जाने के लिए एकदम रेडी है। भीग नहीं जाएगा पानी में? नहीं, कुछ नहीं होता वो। वाह बिट्टू, ओह चलो चलो। ये तो चेंजिंग वाला है। तो गाइस अभी बैग रखने के लिए लॉकर लेना है, तो देखती हूँ रेगुलर लेना है कि बिग साइज लेना है। अपने बैग के हिसाब से लॉकर मिल जाते हैं, तो चलिए लॉकर ले लेते हैं। लॉक कर लिए हैं, अभी थोड़ा सा पिक्स वगैरह क्लिक करूंगी, फिर चेंज करूंगी, फिर हम इंजॉय करने जाएंगे। गाइस कितना अमेजिंग लग रहा है, मतलब गर्मी का टाइम हो और ऐसा पानी पानी देख के मतलब अलग ही फील आ रहा है मेरे को। तो एकदम नहाने कूद पड़ू ऐसा लग रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं ना क्लिक फोटो और क्लिक करूँगी और रील्स वगैरह बनाऊँगी करके, तो पहले घूम ले रही हूँ। तो गाइस ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाटर पार्क है, तब अमेजिंग है, अमेजिंग है। चलिए आपको पूरा मैं दिखाती हूँ। काफ़ी बड़ा है वो स्विमिंग पूल, शायद अभी नया बना है ये, कि पिछले अभी 2-3 साल पहले शायद आई थी मैं लॉकडाउन के पहले, तब ये स्विमिंग पूल था नहीं, तो अभी तो नया दिख रहा है। और अभी ना गाइस हम इतने जल्दी आ गए एक्साइटमेंट की वजह से, मतलब 11 भी नहीं बजे, देखिए ना पूरा खाली खाली दिख रहा है। फन सिटी पूरा वाटर पार्क खाली है, कहीं की एक दो कोई दिख रहे होंगे बस। लेकिन अच्छा भी है हम कि जल्दी आ गए, हम थोड़ा सा वीडियो और फोटोशूट अच्छे से कर पाए हैं। ब्लू ब्लू ये है रेन डांस, अच्छा लग रहा था मेरे को। लेकिन क्या है कि हम दो लोग आए थे ना, तो मेरे को मतलब ये सोच रही थी कि मैं कैसे क्या करूँगी, ये तो अपना मस्ती में रहेगा, मैं किसके साथ रहूँगी, मेरे को कोई मिल जाए फ्रेंड्स वगैरह बना लूँ यहाँ पे पूरा दिन है। लेकिन ना तो आज का दिन पूरा रहेगा जाएंगे ना, उतना ज़्यादा मज़ा आता है। चलो ही है ना यार, देखिए ये भी बेचारा सुनसान बैठा हुआ है। टाइम हुआ ही नहीं ना, 11 बज रहे हैं। ये रहे बड़े बड़े स्लाइड्स में, मुझे तो मतलब काफ़ी डर लगता है, मैं कभी ये सब में कभी नहीं चढ़ पाऊँगी ऐसा लगता है। और जो झूला होता है मेला में, मतलब मैं उसको भी देख नहीं पाती, ऐसा है मेरे में डर।
ऊंचाई से मेरे को बहुत ज्यादा डर है। बारिश भी हो जाएगा तो मजा आएगा भी। बस मेरा आना इसकी वजह से हुआ है और कुछ नहीं। कितना खुश है, कितना खुश है। पता है गाइस, आने के पहले ना, यहाँ आने के पहले यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, बस MM फन सिटी का वीडियो, वाटर पार्क यहाँ का वहाँ का हर जगह का, मतलब बस वीडियो ही देख रहा था। मतलब उसको इतना ज़्यादा मन था आने का यहाँ। मैं बस इसी के कारण बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस, ये रहा बच्चों का छोटा स्विमिंग पूल। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए वाह कितना अच्छा लग रहा है। मैं ये सोच रही हूँ आशी आती तो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करती। देखिए ना, उसी के साइज का है स्विमिंग पूल। तो आशी ना मेरी दीदी की बेटी है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरी बेटी है, लेकिन मैं इस टॉपिक पे कभी ना मैं वीडियो बनाऊँगी। देखिए वाह, मज़ा आ रहा है मुझे तो देख के। मैं आपको बोली ना कि मैं लॉकडाउन के पहले एक बार आई थी, तब मैं ना वो जो स्लाइड दिख रहा है इस पर मैं तब एक बार ट्राई की थी, बैठी थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग गया था। और ये तो काफ़ी बड़े बड़े स्लाइड्स है बाबा रे। मैं तो इसको बता रही थी, देखिए कैसे गाइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे अप डाउन हो रहे हैं वो। और यहाँ ना अच्छा है, मतलब कि देखिए ये बॉयज़ रूम जो काम करते हैं ना, उन लोग हमेशा ऐसे ही रहते हैं कि कुछ देखते रहते सेफ्टी के लिए। और यहाँ चालू हो गया रेन डांस। मैं डर रही थी मोबाइल को कुछ हो ना जाए। बस इंजॉय कम, डर ज़्यादा लग रहा था। दिन सनी सनी बिल्कुल नहीं था। हम गए थे ना उस दिन, एकदम मतलब बादल बादल छाए हुआ था, मौसम इतना सही नहीं था। देखिए बस इसी ये मस्ती किया जा रहा है, नहाया जा रहा है। इसे क्या कहते हैं, रिंग क्या पता नहीं है, लेकिन यहाँ एक मैं वीडियो बनाऊंगी ऐसे जाने आने का। मैं इसको बोली हूँ कि तू अपना मस्ती कर ले, उसके बाद मेरा वीडियो बनाना। देखिए बच्चे लोग काफ़ी ज़्यादा हम इंजॉय कर रहे हैं। और मैं बस स्विमिंग पूल के अंदर अंदर तक तो गई नहीं, मैं बस सामने सामने में ही पानी के अंदर थोड़ा बहुत करके पिक्स और पिक से क्लिक कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। बस देखिए मैं मतलब इन्जॉय नहीं कर पाई, ऐसा है। फ्रेंड्स लोग के साथ आओ तो मज़ा आता है। कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। कम बजट में है ना, मतलब आप गर्मी में एक टाइम आ ही सकते हो इन्जॉय करने के लिए। तो मैं सोच रही थी ना फ्रेंड्स मिल जाए, कोई मिल जाए, तो ये कोई मेरे को मिल गई। इसको मैं पहचानती नहीं हूँ, दिखेगी आपको रेड टी शर्ट में। इसको मैं पहचानती नहीं थी, मतलब यहाँ आने के बाद ये भी मेरे पास आई कि पिक्स क्लिक कर दूँ करके। चलो फ्रेंडशिप हो गया, फिर हम थोड़ा बहुत इन्जॉय किए साथ में। तो गाइज़ मौसम ख़राब हो रहा था, इसलिए हम जल्दी जल्दी, मैं इसको बोली कि चलो हम अब घर जाते हैं, हमको जाना है, लेट भी हो जाएगा। तो हम जल्दी जल्दी गए, मैं ज़्यादा और वीडियो बनाई नहीं, जाके फर्श से बस चेंजिंग रूम गए, चेंज किए, देखिए अपना ले रहे कपड़ा निकाल रहे हैं। बस अब हम घर की ओर जा रहे हैं।